हेलो फ्रेंड्स, छोटा डायरी में आपका स्वागत है। और आज मैं आई हूँ इंटू मॉल और यहाँ मैं आपको लेके चलूँगी यहाँ का पाउंडलैंड। पाउंडलैंड जहाँ पे हम हर चीज़ सिर्फ एक ही पाउंड में मिलती है, 1 पाउंड में हम यहाँ पे हमको कुछ भी मिल सकता है। आपने इंडिया में देखा होगा जैसे 99 स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे हर चीज़ आपको 99 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की मिलती है, तो वही सेम यहाँ पे हर चीज़ आपको सिर्फ 1 पाउंड में मिलेगी। 1 पाउंड मीन्स 100 रुपीज़ या 97-95 आप इंडिया का मान सकते हो, मुझे भी नहीं पता अभी कितना है। पाउंडलैंड में आप हर तरीके की चीज़ आपको मिल सकती है, जैसे कि होम एक्सेसरीज़ है, आपका यूटेंसिल्स है, किचन का सामान है, खाने पीने का सामान है, तो सब चीज़ आपको वहाँ पे सिर्फ 1 पाउंड में मिलेगी। चलो चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ पूरा पाउंडलैंड। बेसिकली हमें पाउंडलैंड में सारा सामान काफी सस्ता मिल जाता है अगर हम यूके में और स्टोर से इसका कंपेयर करें। इस स्टोर पर 5 पाउंड के अंदर हमको काफी सामान मिल जाता है, डिफरेंट वैरायटीज हमको मिल जाती हैं। एंड आई एम हियर इन पाउंडलैंड, ये चलो चलते हैं। एंड एज यूजुअली मैंने एक पासपोर्ट ले लिया है और सबसे पहले मैं आई हूँ किड सेक्शन पर, जो कि है मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट सेक्शन। मुझे बहुत पसंद है, मैं कहीं भी जाती हूँ सबसे पहले मैं किड्स के ही सेक्शन में जाती हूँ। वहाँ मैं देखती हूँ कोई मुझे टॉय समझ में आता है, कोई बुक है जो मुझे श्रेया के लिए समझ में आ सकती है, तो मैं उसको जल्दी से ले लेती हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली यूज की स्लीपर्स हैं, जो कि सारी 1 पाउंड में है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 पाउंड भी लिखा हुआ है। के बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ और मैं आपको सारा दिखाऊंगी एक एक करके। आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारी नॉवेल्स हैं जो हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, बच्चों के आइटम्स हैं। यहाँ पर पैट्स का खाना भी बहुत इजीली मिल जाता है, जैसे आप देख रहे हैं कैट का फूड है, डॉग का है। सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कंफर्ट है, एस है, तो फेरी है, यहाँ पे फेरी ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा चलता है, बास्केट्स हैं और भी काफ़ी सामान है जो हम यहाँ पे 1 पाउंड में ले सकते हैं। सब कुछ ही वाओ है यहाँ पर। मेरा रिएक्शन आप देख सकते हो, बच्चों का टी शर्ट्स भी है, सेलो टेप है, काफी सारा स्टेशनरी है। बहुत छोटा छोटा सामान है जो जनरली हमको और शॉप पे यहाँ नहीं मिल पाता है, तो वो
वो चीज़ हमको यहाँ से मिल जाती है। काफ़ी अच्छी अच्छी क्रॉकरी है, कप्स हैं आप देख सकते हो, इसके अलावा मेकअप का सामान है, ब्रशेज हैं, नेल कटर है, आई शेड्स हैं, नेल पेंट्स हैं, काफ़ी सारा मुझे गर्लिश आइटम दिख रहा है यहाँ पर। अभी मैं सीधे जा रही हूँ बिलिंग काउंटर की तरफ। यहाँ पे हम बिलिंग टू टाइप से कर सकते हैं, एक होता है सेल्फ चेकआउट और एक होता है थ्रू एग्जीक्यूटिव चेकआउट। पर यहाँ पे मुझे सेल्फ चेकआउट करने में बहुत मज़ा आता है, तो हमेशा मैं ही सबसे पहला लाइन में लग के चेकआउट करने पहुँच जाती हूँ। यहाँ पर हमको प्रोडक्ट्स मशीन में रख कर उसका बार कोड स्कैन करना होता है और कार्ड लगाना होता है। बिलिंग के लिए यहाँ पर सबके पास सेपरेट मशीन्स होती हैं। अभी मेरा पेमेंट हो गया है और मैंने अपना सारा सामान पॉलीबैग में रख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।